बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहिए। तो जी गाइस, नए व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। जो हमारे चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को फटाफट से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा साथ में, और ताकि और प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी कीजिएगा। तो फिर गाइस अब आपसे मिलते हैं, किचन में चलते हैं। मेरा शाम का टाइम है तो सोचा है कि मेरा को बना के देते हैं पॉपकॉर्न। और तो चलिए गाइस, अब मेरा के पास हम चलते हैं। पहले मेरा से पूछते हैं मेरा ने पॉपकॉर्न खाने हैं कि नहीं, तो मेरा के पास चलते हैं। हेलो मेरा, कैसी हो आप? अपने गाइस से सलाम तो कर लें। वालेकुम अस्सलाम। मेरा, मैं आपसे पूछने के लिए आई हूँ कि आपने कुछ खाना है? जी। मैं बना रही हूँ पॉपकॉर्न। आपको पॉपकॉर्न पसंद है? जी। कौन से वाले, स्वीट पॉपकॉर्न या फिर सॉल्टी? कौन से वाले? सॉल्टी और स्वीट पॉपकॉर्न, दोनों दोनों खाएंगी आप? तो चलिए मेरा, अगर आपको पॉपकॉर्न खाने हैं तो मम्मा की हेल्प करनी पड़ेगी। ओके। लेट्स गो। टन टडिंग, आ जाइए। देखिए हम पॉपकॉर्न बना रहे हैं, उसके लिए हमने ऑयल डाल दिया है। और ये यहाँ पे मैंने देखिए एक कप कॉर्न ले लिए हैं और एक कप चीनी, ठीक है। और ये अब मेरा से हम डलवाते हैं। आराम से आप डालिएगा मेरा। ये देखिए मेरा हमारी गोद में चढ़ गई है, गिनने नहीं चाहिए। चलो रखिए, अब आप दूर चले जाएँ, ठीक है? अब आप दूर खड़ी हो जाएँ, नीचे भी नहीं, दूर। और ये ऑयल को गरम करेंगे हम, पहले पॉपकॉर्न बनाएंगे उसके बाद कैरेमल। फ्लेम को कर दिया हाई, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ऑयल के अंदर। और फिर इसके बाद जैसे ये फूटना शुरू होंगे हम इसको ढक देंगे। तो ये देखिए गाइस, हमारे पॉपकॉर्न फूलना शुरू हो गए हैं, इसको कवर। ये देखिए गाइस, एक कप से कितने सारे पॉपकॉर्न बन गए और अभी मज़ीद नीचे पक रहे हैं। और फ्लेम भी मैंने हाई रखी हुई है ताकि ये अच्छे से अंदर से हो जाए। ये देखिए एक एक दाना इसका हो चुका है। अब इसका कैरेमल हम इसको निकालते हैं और फिर कैरेमल इसका तैयार करते हैं। और ये देखिए गाइस, मेरा का हेयर स्टाइल बनाया मैंने, दिखाइए मेरा। वेरी नाइस, ज़बरदस्त। कैसे ये देखें, कैरेमल बनाने के लिए ज़रा सा हमने 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाला है और अब चीनी डाल रहे हैं। और अब चीनी को अच्छे से मिक्स करते रहना है इसको, ताकि ये नीचे जमे ना और ना ही जले, ठीक है गाइस? और ये देखिए, आज हमने अचार गोश्त बनाया, बड़े मज़े का बन गया है मेरा अचार गोश्त भी, चिकन का। और ये देखिए यहाँ पे इसको मिक्स कर रहे हैं। इतनी इजी रेसिपी है इसकी। आप इतने महंगे महंगे बाहर से जो कैरेमल पॉपकॉर्न लेते हैं, 1000 का एक तो सा बॉक्स होता है, इससे बेहतर है आप घर में बनाएं और सस्ते में काम करें। अगर आपके पास वनीला एसेंस है और उसकी आपको टेस्ट अच्छा लगता है तो वो भी इसमें शामिल कर दें, वरना अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। बस इसको कैरेमल को ऐसे ही हम शुगर को करेंगे और कैरेमल बनाएंगे। ये देखिए गाइस, कैरेमल तैयार है और अब हम इसमें ये पॉपकॉर्न अलग करके रखे हुए हैं, ये डाल देंगे, मिक्स करेंगे इसको अच्छे से ऊपर नीचे, ताकि कैरेमल ये सब पे लग जाए। राइट, मज़ेदार से हमारे कैरेमल पॉपकॉर्न हो चुके हैं तैयार। ये देखिएगा, मेरा यू लाइक इट? मेरा 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 मज़े के बनाए मम्मा ने। चलिए तो आप इंजॉय करें। मेरा, आपको कौन सा अच्छा लगा है? कौन से वाले पॉपकॉर्न अच्छे लगे? ये वाले के, ये वाले दोनों यम्मी है, ऐसे करें इधर। तो गाइस, आपको आज का व्लॉग कैसा लगा उसके लिए अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।